मरकजी चांद कमेटियों ने गुरुवार को मुहर्रम का चांद दिखने का ऐलान किया। इसी के साथ ही गम के महीने की पहली तारीख शुक्रवार आज से शुरू हो गई है। वहीं इंदौर शहर में चांद नजर आते ही चौकी धोने की परंपरा का निर्वाहन किया गया। हालांकि कोरोना के चलते सीमित संख्या में लोग इस परंपरा के दौरान मौजूद नजर आए, जहां सभी ने शहर की अमन और सुकून के लिए दुआ भी मांगी। इस्लामिक नए साल हिजरी 1442 का आगाज गुरुवार को चांद दिखने के साथ ही हो गया है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम साल का पहला महीना होता है। इस माह की 8, 9 व 10 तारीख को मुहर्रम के ताजिए निकलते हैं। इंदौर में होलकर काल से मुहर्रम माह का चांद दिखते ही इमामबाड़े की चौकी धोने की परंपरा है। गुरुवार को यही परंपरा निभाई गई। शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, इमामबाड़ा इंतजामिया कमेटी के सदर हाजी इनायत हुसैन, सद्दाम पठान सहित मुस्लिम समाज के लोगों ने इस परंपरा का निर्वहन किया। चौकी को इमामबाड़े से राजवाड़ा तक ले जाया गया। वहां सभी ने फातिहा पढ़कर दुआ अमनो चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर हाजी इनायत हुसैन ने बताया कि नए साल की शुरुआत पर होलकर काल से ही इमामबाड़े की चौकी धोने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन कोरोना के चलते सीमित संख्या में लोगों ने इस परंपरा को पूरा किया है। वहीं CSP आशुतोष मिश्रा ने बताया कि त्योहारों के दौरान शासन की तय गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। मोहम्मद इशरत अली साहब के हुकुम के मुताबिक आज चांद दिखने की ऐलान हुआ। मुहर्रम का चांद दिखते इस्लामी नया साल शुरू हुआ। मैं आप सभी लोगों को और इस शहर के और प्रदेश के और देश के सभी लोगों को इस्लामी नए साल की बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस्लामी नए साल में जो हमारे इस सूबे में और देश में और पूरी दुनिया में ये जो वबा है, महामारी, अल्लाह जल्द से जल्द इस इस्लामी नए साल के सदक़े में पूरे देश से और पूरी दुनिया से इस वबा को ख़त्म करे। पिछले 2-3 महीने पहले रमज़ान और मुबारक का महीना हमारे सामने से पेश आया और गुजरा, क्योंकि रोज़े फ़र्ज होते हैं और इस्लाम में नमाज भी फ़र्ज होती है और हज भी फ़र्ज होता है, ज़कात भी फ़र्ज, 4 सुतून है इस्लाम के जो फ़र्ज हैं। आप देख रहे हैं कि रमज़ान हमने जो भी सरकारी गाइडलाइन आई थी उसके मुताबिक पूरी मेरी कौम ने, मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि पूरी तरह से उसका पालन करते हुए नमाज भी पढ़ी, इबादत भी करी, रोज़े भी रखे, तरावी भी पढ़ी और हज भी हुआ और इंशाल्लाह कयामत तक मक्का मदीना में, हरम में, मीना में, अरफात में, मुजल्फा में वो हज कयामत तक होता रहेगा। ऐसे ही हमारे प्यारे नबी के नवासे सैयदना इमाम हसन और हुसैन, बीबी फातिमा के जिगर, कयामत तक इनका नाम ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो महामारी और ये जो वबा आई है ये दुनियावी हिसाब से है और अल्लाह इसको जल्द से जल्द ख़त्म करेगा। हम लगातार जब से मैं समझता हूँ कि 30-35 साल से हम सब लोग इंदौर शहर के हिंदू मुस्लिम, जिसमें गंगा जमनी तेजी की हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खुशबू यहाँ से बहती है, ये सरकारी ताजिया इंतजामिया कमेटी से, ये सरकारी ताजिया महाराजा यशवंत राव जी होलकर की मन्नत का ताजिया है और इसमें सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर इस ताजिए को पूरी आस्था और निस्बत के साथ मानते हैं, जिसमें महिला, पुरुष, बच्चे सभी, इनकी निस्बत से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मेरी यहाँ का नस्बती हूँ और गरीब इमाम हुसैन का गुलाम हूँ, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ये वबा इस देश से ख़त्म होगी, इस दुनिया से ख़त्म होगी और हम सब बीमार और इबादत और सब अच्छे से करते रहेंगे। हाँ देखिए, जैसा आप सभी को मालूम है कि चांद दिखने के साथ ही मुहर्रम के महीने की आज शुरुआत हो गई है और यहाँ पे राजवाड़ा के पास जो हमारा सरकारी इमामबाड़े में जो ताजिया रखा जाता है, यहाँ प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से गैदरिंग होती है, परंतु इस बार जैसा कि शासन का निर्देश है, गृह विभाग की गाइडलाइन है, उसके अनुसार जो है कि कम से कम लोगों के रहते हुए ही जो पूजा पाठ की जा सकती है,
वो जो भी शासन की गाइडलाइन है वो सभी को कन्वे कर दी गई है, सबको बता दी गई है, उन लोगों को भी अच्छे से मालूम है कि प्रशासन का इंतजाम भी सब तरफ है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और ज़्यादा गैदरिंग नहीं होनी है, कम से कम लोगों के साथ जो धार्मिक रीति रिवाज हैं जो एसेंशियल हैं, आवश्यक हैं, बस मिनिमम आवश्यक उतनी पूर्ति की जा रही है। जैसा आपने अभी देखा कि हर साल जो काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन इस साल जो है मिनिमम लोगों के द्वारा जो है ये पूजा पाठ सम्पन्न किया गया है। और आगे भी जो है ये महीना जैसा चलता जाएगा तो उसके साथ ही नियमानुसार ही काम होता रहेगा। गुरुवार को मुहर्रम का चांद दिखने के बाद राजबाड़ा सहित शहर की अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में चौकी धोने की परंपरा निभाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।